पिछले कुछ हफ्तों से स्वतंत्रता के इस सिलसिले में वेबिनार्स कर रहे हैं। उसमें आज हम हिंदी काव्य और स्वतंत्रता संग्राम के वक्त के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ आज सूत्रधार का काम साकेत सुरेश जी करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं साकेत, मैं हिंदी में व्यंग लिखा करता हूं और इंडिक से दो पुस्तकों के साथ जुड़ा हुआ हूं, और आज मैं अपने सह लेखकों का स्वागत करता हूं और अतिथियों का स्वागत करता हूं। मेरे तो मैं एक बार अपने लेखकों का परिचय मैं आपको देता हूं, और सुमेधा वर्मा जी हैं हमारे साथ। सुमेधा जी एक भारतीय संस्कृति से और भारतीय मिथोलॉजी और पौराणिक कथाओं से प्रेरित लेखन में बहुत सुघड़ हैं, और उनकी पुरानी पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज में 1992 में उन्होंने भाग लिया, और उसके बाद आगे चल के उन्होंने अपना समय पूर्णतः लेखनी को दे दिया, और उन्होंने संस्कृत और प्राकृत पर शोध कर रही हैं सुमेधा जी, और इन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया है जो कि काफी लोकप्रिय रही, और स्वराज और माइंड मेकर जैसे सम्मानित डिजिटल मीडियम पे भी वो अक्सर भारतीय विषयों पर लिखती रही हैं। उनकी पुस्तक उर्ना भी रोली बुक से और रामायण भी रोली बुक से प्रकाशित हुई है, और उनकी आगामी पुस्तकें प्राचीन भारत की आधुनिक महिलाएं आने वाली है। नमस्कार सुमेधा जी। और इनके अलावा हमारे साथ सर्वेश जी हैं। वो एक परिपेक्ष बना था और उसमें किस प्रकार से हिंदी पुनः अपने पैरों पे खड़ी हुई, संस्कृत निष्ठ हिंदी, उस पर एक नजर सर्वेश भाई डालेंगे। हमारे साथ एक युवा भी हैं, सर्वेश भाई भी वैसे युवा हैं परंतु उनसे भी अधिक युवा एक कुशाग्र अनिकेत जी हैं हमारे साथ, जो अर्थशास्त्र में अमेरिका में कार्यरत हैं और भारत विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र से आते हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी वर्तमान में निवासी हैं, और अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये एक कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं और पुनः अपने पैरों पर खड़ा किया। सुमेधा जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर काफी अध्ययन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती प्रयाग से शुरू की, जिसमें उन्होंने हिंदी के और शुद्ध हिंदी के लेखकों को काफी स्थान दिया, और धीरे धीरे हिंदी अपने स्थान पर आने लगी। इस पर दरअसल मन्मथनाथ गुप्त जी कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वो जमीन पर हल चलाकर खड़ी बोली की जमीन में से कंकड़ पत्थर बीनकर उसे समतल किया और खाद डाली, जिसमें कि आगे की पीढ़ी के जो कि जैसे प्रेमचंद जैसे लोग उसमें उग सके और उनकी रचनाएं उसमें आकार ले सके। तो सुमेधा जी, आपकी ओवर टू यू। तो इस गोष्ठी में भाग लेने के लिए योगिनी जी ने आमंत्रित किया, बहुत बहुत आभार आपका, इंडिक टुडे का, सब लोगों के साथ मिलकर इस विषय पर बात करने में बहुत ही अत्यंत रोचक समय रहेगा। आप सब सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे, क्योंकि मैं भाव प्रधान हूँ, देश प्रेम का भाव और भाषा प्रेम का भाव, इन दोनों को मिलाकर ये गोष्ठी होने वाली है, और दोनों मेरे दिल के बहुत पास है। तो अपने इस बहुत ही संक्षिप्त संभाषण में, 10 मिनट का समय हमें दिया गया है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी और बहुत कुछ नहीं भी बोल पाऊंगी, उसके लिए मुझे पहले से ही क्षमा कर दीजिए। भाषा की त्रुटियों के लिए भी पहले से ही क्षमा कर दीजिए। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, इसलिए मेरी हिंदी में बहुत कमी है, उसके लिए मुझे आप पहले से ही क्षमा कर दें, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ। तो एक जो हिंदी का परिपेक्ष है, जैसा कि अभी साकेत ने कहा, कभी कभी मुझे इसमें एक थोड़ी सी कुछ लगता है कि अगर सिर्फ 18वीं और 19वीं और 20वीं सदी की हिंदी के बारे में हम सोचें तो इसका इतिहास पूरा नहीं होगा। मैं मौर्य ज़माने की इतिहासकार हूँ, वो विशेष रूप से मैं उसमें कार्य करती हूँ।
तो मेरा ये विचार है सारा कुछ देख समझकर और पढ़कर कि हिंदी की नींव जो है वो इससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। समझ लीजिए 2800 साल पहले जब हम महाजनपद में बटे हुए थे, उस समय जिस तरह की चार प्राकृत भाषाएं थी उसमें से एक उदीच्य यानी कि उत्तर भारत की का जो प्राकृत था, उस प्राकृत से हिंदी का उद्भव हुआ है ऐसा मेरा मानना है। और इन चारों प्राकृत, चार प्राकृत थे और तमिल और संस्कृत के बीच की जो भी गतिविधियाँ थी, ये इतिहास में, ये भाषा के इतिहास में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही मुश्किल विषय है। इस पर प्रकाश डालना इतने समय, छोटे समय में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि मौर्यकालीन अभिलेखों में, जैसे कि शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, इन सब अभिलेखों में जो लिपि और जो भाषा पाई गई है, हम हिंदी की जड़ें वहाँ से हम देख सकते हैं कि हिंदी का उद्भव हुआ है। बहुत ही लंबा समय है, 2000 साल का, 2000 साल से भी ज़्यादा का। और समय को भगाते भगाते हमें लाना पड़ेगा 19वीं सदी में, क्योंकि हम बहुत देर तक रह नहीं सकते हैं इतिहास के ऊपर। लेकिन भागते भागते जब हम पहुंच जाते हैं 1870 में, जब हम पहुंच जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में, 1870 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ, 1900 में द्विवेदी जी का जन्म हुआ, और इन्होंने जिसको कहते हैं द्विवेदी भारतेंदु युग की नींव रखी, आधुनिक हिंदी की नींव रखी। लेकिन कल जिस तरह से हम लोगों की इस पर बात हो रही थी, सबसे पहली जो कविता थी जिसने जन सामान्य को बिल्कुल उद्वेलित कर दिया था, वो थी बंकिम चंद्र की वंदे मातरम। और ये स्वतंत्रता संग्राम से, स्वतंत्रता से, देश से बहुत ही जुड़ी हुई है, और इसको, इसका जिक्र किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका एक मील का पत्थर थी। 1900 से 1920 तक उन्होंने इसका संपादन किया। वहाँ पर बनारस में, इलाहाबाद में सॉरी, उन्होंने हिंदी का व्याकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण सबका निर्माण किया। इलाहाबाद और बनारस में नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इन दो संस्थाओं ने बहुत कुछ काम किया। फिर जो शायद सर्वेश जी की खासियत है, वो हिंदी और संस्कृत के बीच का जो संबंध है, मेरे हिसाब से ये संबंध विखंडित कर दिया गया था और इस संबंध को पुनः स्थापित किया गया इस समय। और इस बारे में बहुत तरह की अच्छी बुरी बातें की जाती हैं, क्या हिंदी को क्लिष्ट होना चाहिए, क्या हिंदी को संस्कृत से मिलाकर रखना चाहिए, या हिंदी को हिंदुस्तानी बनाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल हिंदी और संस्कृत वाले के तरफ हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि जितनी जितनी हिंदी संस्कृत के पास होगी, उतनी उतनी हिंदी बाकी सारी देश की भाषाओं के साथ भी पास होगी, क्योंकि सबका उद्भव हिंदी से, वो संस्कृत से ही हुआ है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारतेंदु द्विवेदी युग में क्या ऐसा उन्होंने नया शुरू किया? नया उन्होंने, मेरे हिसाब से भारतेंदु जी ने जो अपने निज भाषा से प्यार करने की जो सीख दी, जो निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, उन्नति पूरी तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोए। लंबी है ये कविता, मैं सिर्फ दो चार पंक्तियाँ सुना रही हूँ, लेकिन ये थी एक नई आवाज़, एक नई तरह की, नए तरह के भाव जिसमें भाषा प्रेम और देश प्रेम एक साथ आ गया था। द्विवेदी जी ने आर्य भूमि और भारतवर्ष भी कविताएं लिखी, उनमें से अभी मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम आगे बढ़ें इस युग से, अमर कवि मैथिली शरण गुप्त की ओर, 1886 में उनका जन्म हुआ, और वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर खड़ी बोली और संस्कृत के तरफ वाली, संस्कृत से बहुत ज़्यादा प्रभावित खड़ी बोली में उन्होंने लिखना शुरू किया। इस समय तक उर्दू और नास्तलिक, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी उसको दरबारी भाषा बना ली थी, औपचारिक भाषा बना ली थी, कुछ कुछ उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया था अंग्रेज़ों के साथ, और ये नया एक भाव था हिंदी भाषा, नागरी लिपि, और उसके साथ साथ देश में एक नव जागरण, यही है स्वतंत्रता संग्राम
और हिंदी भाषा का एक ऐसा गठजोड़, ये दो, ये सब साथ साथ चले, ये सब बिल्कुल साथ साथ चले। देश जड़ें भाषा प्रेम की, देश प्रेम की, स्वतंत्रता से प्रेम की, वो सब एक साथ थी। भाषा से प्रेम जगाना था, अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश जगाना था, और साधन था, साधन थी हिंदी। जैसा साकेत जी ने पहले ही इस बारे में कहा है कि ये हमेशा भाषा राजनीति से जुड़ी हुई है, तो यहाँ भी भाषा राजनीति से जुड़ी हुई थी। भारत भारती ने 1914 में जब मैथिली शरण गुप्त ने इसे लिखा तो जनमानस को उत्तेजित कर दिया, और अंग्रेज सरकार ने इसका बहुत जगह निषेध भी किया। मैं यहाँ पर, क्योंकि जैसा आपने सुना, मैं पौराणिक, ऐतिहासिक और वैदिक कथाओं में, उनको फिर से पढ़ने में और उनके बारे में लिखने में, इतिहास के बारे में लिखने में मेरी रुचि है। रामायण के पात्र और महाभारत के पात्रों का प्रयोग करके इन कवियों ने जो अपनी कविताएं लिखी, उनमें ये हमें दिखता है कि एक बार फिर श्री राम, कृष्ण और जितने हमारे इतिहास पुराण के पात्र हैं, एक नए ज़माने में एक नई ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके ऊपर फिर से कविताएं लिखी गई। उन्होंने फिर से लोगों को, लोगों के जोश को, लोगों के भावों को फिर से बढ़ाया। लेकिन जो पीछे देख रहे थे अगर पात्रों के लिए, लेकिन उनकी आंखें भविष्य में बंधी हुई थी। एक पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, मैं अतीत नहीं भविष्यत भी हूँ आज तुम्हारा। तो उनकी क्या दृष्टि थी, उनकी दृष्टि आगे थी कि भारत का आगे क्या होगा, इस वक्त बहुत बुरे हाल में है, आगे क्या होगा। चार पंक्तियाँ और सुनाती हूँ उनकी। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश में यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो उनकी दृष्टि जो है वो आगे जमी हुई थी कि हम आगे कैसे उन्नति करा सकते हैं। इन्होंने उर्मिला और यशोधरा जैसे अपेक्षित पात्रों पर कविता लिखकर बहुत एक गर्व जगाया अपनी संस्कृति में, अपनी कहानियों में, और कर्मयोग की तरफ जनमानस को प्रेरित किया। मेरे खास प्रिय कवि हैं छायावादी, दिनकर हो, जयशंकर प्रसाद हो, सुमित्रानंदन पंत हो, निराला, महादेवी वर्मा, इन सबको घर घर पहचाना जाता था। प्रसाद का प्रयाण गीत कौन भूल सकता है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, पुकार रही थी स्वतंत्रता। ये सारे कवि जो हैं वो इन भावों को शब्द दे रहे थे। ये शब्द आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं, तो उस समय तो समझिए क्या होता होगा। और रामधारी सिंह दिनकर, इनके शब्दों में मृत को जीवित करने की सी शक्ति थी। भूषण के बाद के सर्वोच्च वीर रस के कवि माने जाते हैं ये। एक दुखी पीड़ित देश को स्वाभिमान, बल और शक्ति देने वाले शब्द थे। हुंकार 1938 इन्होंने जो हिमालय कविता लिखी, और आखिर में जो हमको एक एक कविता पढ़नी है अपनी प्रिय कविता, मैं यही पढ़ूंगी, अभी चार पंक्ति सिर्फ सुनाती हूँ। मेरे नकपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। इसमें वो भारत को जगा रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो महात्मा गांधी को भी जगा रहे थे कि आप योगी बनकर मत बैठे रहिए, उठिए, कुछ कीजिए, देश को स्वतंत्र कीजिए। अब हम मैं सबको तो नहीं बता के बारे में तो नहीं बोल सकती, पर निराला के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1899 में इनका जन्म हुआ। ये द्विवेदी व सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रामकृष्ण मिशन के साथ इन्होंने काम किया, बंगाल में इनका जन्म था, इसलिए अद्वैत से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और अद्वैत इनकी हर कविता में दिखता है। इनकी कविता की एक खासियत है, और वो खासियत क्या है कि इनको, क्योंकि ये बंगाल में पले बढ़े और इन्होंने वहाँ बहुत कुछ किया, तो ये शक्ति पूजा से बहुत प्रभावित थे। इनकी खास जो एक कविता है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा उस युद्ध के एक मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष में लिखी हुई है। उस समय युद्ध करना था, युद्ध करना था अंग्रेज़ों से, देश को बनाना था स्वतंत्र। इन्होंने अपनी जो प्रेरणा है वो वाल्मीकि रामायण से नहीं ली, इन्होंने प्रेरणा ली थी कृतवास रामायण से। और ये कहानी क्या है कि श्री राम, जब निर्णायक युद्ध होना था रावण के साथ, तो उन्होंने नीलकमल से देवी की अर्चना करने की कोशिश की, और उसके बाद जब एक नीलकमल कम पड़ गया
तो उन्होंने अपनी आँखों को ही देवी को अर्पण करने की का निश्चय किया, लेकिन आकर देवी ने उन्हें रोक दिया और अपना वरदान दिया। इसी वरदान से वो रावण के ऊपर उन्होंने युद्ध जीता। तो मैं आपको दो चार पंक्तियाँ इसकी सुनाती हूँ बस। जब उन्होंने ऐसा देखा कि उनके पास वो नीलकमल नहीं है जो उनको अर्पण करना था, तब क्या हुआ? राम की शक्ति पूजा निराला की, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। फिर उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए, फिर अचानक उन्होंने सोचा, राम में जगी स्मृति हुई सजग सा भाव प्रमण, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, यह पुरश्चरण पूरा कर देता हूँ मात्र एक नयन, कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, जिस क्षण बंद गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और फिर उन्होंने वरदान दिया कि राम रावण के ऊपर विजयी हूँ। अब इसमें दो तीन भाव हैं, एक तो युद्ध का भाव, लड़ने का भाव, और शक्ति के साथ मिले बिना, शिव और शक्ति, नर और नारी का मिलन हुए बिना कोई भी युद्ध निर्णायक जीत उसमें नहीं हो सकती, ये भी निराला की इस राम की शक्ति पूजा में है, इसलिए ये कविता मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। अब निराला के बारे में मैं एक दो छोटी कहानियाँ सुनानी चाहती थी, अगर वक्त दें साकेत जी, अगर वक्त हो गया हो तो मैं दूसरे लोगों को बोलने का मौका दूंगी। जी अब सुनाएं। हाँ, क्योंकि बड़ी एक प्रभाव में चलते हैं। बड़ी रोचक सी कहानियाँ हैं ये। मैं इन कहानियों से ये बताना चाहती हूँ कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम में कवियों की जगह क्या थी। गांधी नेहरू, जिनको हम आजकल बिल्कुल समझते हैं कि वो देवतुल्य हैं, पर उनके लिए वो एकदम समतल थे। तो कहा जाता है कि गांधी जी ने किसी अधिवेशन में कहा कि कहाँ हैं हिंदी के रविंद्रनाथ टैगोर, कहाँ हैं ऐसे कवि हिंदी में। तो निराला जी को बहुत क्रोध आया। अगले अधिवेशन में उन्होंने वो ज़बरदस्ती, ऐसे कहते हैं, ज़बरदस्ती अंदर घुसे, गांधी जी के सामने पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कह कैसे दिया, और उनसे मनवाया कि उनको हिंदी कविता के बारे में कुछ ज़्यादा आता नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। फिर कहते हैं कि नेहरू जी को एक रेलवे कंपार्टमेंट में उन्होंने पकड़ लिया था और बहुत ज़्यादा उलाहना दिया था कि हिंदी कवियों को वो श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करते हैं, जो श्रद्धा मिलनी चाहिए वो नहीं देते हैं। और मैं अंत करूंगी, एक बड़ी प्यारी सी कथा है, मैं नहीं कह सकती कि ये सच है या झूठ, लेकिन ये कवि कविता स्वतंत्रता संग्राम सबके लिए एक बड़ी ही विशेष कहानी है। तो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू चाइना से वापस आए, इलाहाबाद में उनकी एक सभा हो रही थी, तो एक कहानी सुना रहे थे वो सभा को। सभा में आगे निराला जी भी बैठे थे। कहानी यूं थी कि एक चाइनीज़ राजा के दो पुत्र थे, एक पुत्र मूर्ख और एक विद्वान। मूर्ख को उन्होंने अपना राज्य दे दिया और विद्वान को उन्होंने कहा कि तुम कवि बनो। ऐसा कहते हुए नेहरू जी ने उनको, जो सभा ने वो माला अर्पण की थी, वो माला उतार कर निराला जी के कदमों पर रख दी। इससे आपको क्या समझ आता है, क्या जगह थी कवियों की, कविताओं की, हमारे जन सामान्य में, हमारे नेताओं में और स्वतंत्रता संग्राम में भावों को उद्यत करने के लिए और लोगों में एक जोश लाने के लिए, एक लहर उठाने के लिए हिंदी कविता का कितना बड़ा योगदान था। धन्यवाद।